नमस्कार, भारत टीवी टीम में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं महत्वपूर्ण और जरूरत की खबरों को। दोस्तों, आपको बता दें कि N95 मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को दिया चेतावनी, कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है। आपको बता दें कि N95 मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी किया है, बहुत बड़ी खबर बात बताया है लोगों के लिए, और सभी राज्यों को यह चेतावनी दिया है। लेटर लिख के भी यह बात बताया है कि किसी भी तरह से N95 मास्क का बिक्री पर तत्काल रोक लगाया जाए। N95 मास्क बिल्कुल असुरक्षित है। जहाँ से आप वेबसाइट से खरीद रहे हैं, चाहे ऑनलाइन खरीद रहे हैं, चाहे किसी दुकान में खरीद रहे हैं, मेडिकल में खरीद रहे हैं, तो अभी से इसको खरीदना बंद कीजिए। अगर आप उसको यूज भी कर रहे हैं तो अभी से उसका उपयोग करना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में जांच किया गया और स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इसको जांचा परखा तो उससे बताया कि यह बिल्कुल असुरक्षित है। दूसरे मास्क की अपेक्षा यह बहुत ही कमज़ोर उतरा है और इसमें कोरोना वायरस से नहीं बचाया जा सकता है। साथ में आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्यों को N95 मास्क को इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दिया है। इसमें कहा गया है कि N95 मास्क हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह वायरस मास्क से बाहर निकल भी सकता है और मास्क के अंदर जा भी सकता है। अगर आप कोरोना पेशेंट के साथ अगर आप खड़े हैं तो वह आपके अंदर वायरस जा भी सकता है। अगर आपको कोरोना है तो किसी और के पास जा भी सकता है। इसलिए आने या जाने का इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है और यह इधर से उधर हो सकता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। राज्यों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यह देखने को आया है कि मेडिकल हेल्थ वर्कर्स के अलावा जनता भी इसको बखूबी इसको इस्तेमाल कर रही है। यह बिल्कुल गलत है। जब इसके बारे में जांचा परखा गया तो यह बिल्कुल खड़ा नहीं उतरा है। दूसरे मास्क की अपेक्षा भी यह कमज़ोर उतरा है। इसी को देखते हुए पत्र में कहा गया है कि आपको इस बात का अवगत कराना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के प्रवास को रोकने में यह मास्क बिल्कुल असक्षम है। इस मास्क को यूज न करें और लोगों को भी इसकी हिदायत दें कि इसको यूज न करें, उपयोग न करें, नहीं तो आने वाला समय में कोरोना वायरस के लक्षण और कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या और भी बढ़ सकती है। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।